सो गाइज, आज हमारे पास इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो 5G और आज मैं देखूंगा कि इन्फिनिक्स इस स्मार्टफोन में क्या चीज़ें पैक करके भेजा है, क्योंकि गाइज कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो इस स्मार्टफोन में मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक देखने को मिला। वो है गाइज इसके सामने में जो फ्लैश लाइट दिया गया है और बैक साइड में ये जो वीवो के ऑरा लाइट है उसी टाइप से इसको भी डिज़ाइन किया गया है। तो देखेंगे कि कैसा कुछ परफॉर्म भी करने वाला है, क्योंकि इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 चिपसेट यूज़ किया है। और इसके कैमरे की बात कीजिए तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है विद ओएस। तो आज मैं सारा चीज टेस्ट करने वाला हूं और इसका परफॉर्मेंस भी टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा गाइस कि ये जो स्मार्टफोन है ये कैमरे को टारगेट करता है या फिर परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, और सारा चीज को देखते हुए ओवरऑल ये अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप किए बने रहना, क्योंकि इसमें मैं सारा चीजें इस स्मार्टफोन का डिटेल्स में रिव्यू करने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गाइस, ये मुझे डिजाइन वाइज थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें लेदर फिनिश दिया गया है और बाकी इसको फील जो इन हैंड फील है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले जो है गाइस ये 40 डिग्री पे इसको कर्व किया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो इसके बेजल्स है बहुत ही पतले हैं, यानी कि आपको सामने से फील होगा कि हाँ गाइस कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन्स है और थोड़ा सा प्रीमियम भी है। बट इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये मुझे थोड़ा सा बेकार लगा, क्योंकि दो बड़े बड़े कैमरे, फिर साइड में भी एक कैमरे, और जो इसका फ्लैश लाइट है गाइस उसका भी साइज कैमरे के जैसे ही दिया गया है। और ये स्टील जैसा जो गोल्डन कलर्स का दिया गया है गाइस ये मुझे थोड़ा सा हाइलाइटेड लग रहा है, यानी यहाँ पे इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेकार कर दिया। बाकी आपको इन हैंड फील बहुत ही बेस्ट मिलने वाली है। बाकी डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्मार्टफोन को देखा जाए गाइस तो इन्फिनिक्स इस बार बहुत बढ़िया वर्क किया है, क्योंकि गाइस जो कर्व डिस्प्ले दिया गया है 6.78 इंच के, काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी के साथ दिया गया है और इसमें AOD भी मिल जाएगा, यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये भी दिया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, गेमिंग वगैरह काफ़ी मक्खन चलने वाले हैं, और मैं अभी टेस्ट करता हूँ कि इसका जो स्क्रोलिंग वगैरह फास्ट है या नहीं। तो भाई काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके हैप्टिक की बात करूँ गाइस तो भाई सब ये भी काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, यानी कि ठीक है, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और चीज़ इन्फिनिक्स ने कॉपी किया है जो कि आईफोन 14 में दिया गया था, वो डायनामिक आइलैंड गैच, तो ये भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है इन्फिनिक्स ने, तो इसके लिए गुड जॉब फॉर डिस्प्ले इन्फिनिक्स। बाकी जो लोग इस स्मार्टफोन में मल्टी मीडिया ऐसा कुछ कॉन्टेंट देखने वाले हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप यूट्यूब पे 4K वीडियोज भी प्ले कर सकते हो और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आज 1300 nits पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो मैं आउटडोर में भी काफ़ी अच्छे से इस स्मार्टफोन को यूज कर सकता हूँ बिना कोई दिक्कत के। बाकी देखो गाइस, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्मार्टफोन को देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छा पैकेजिंग किया है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 जो चिप है गाइस ये 6nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो काफी अच्छा ये वर्क करता है। और मीडियाटेक का 7020 चिपसेट काफी अच्छा है परफॉर्मेंस के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हाई एंड टास्क कर सकते हो, लेकिन आपके डे टू डे लाइफ के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी आपके नॉर्मल गेमिंग्स होते हैं, यानी कि यहाँ तक आप ऑनलाइन गेमिंग्स भी इसमें कर सकते हो। और अभी तक जो इसका बैटरी है गाइस, मैंने 80% पे इसका रिव्यू करना स्टार्ट किया था और 77% है, यानी कि इतना देर इसको यूज करने के बावजूद भी मात्र 3% ड्रॉप हुआ है, तो बैटरी का भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। और बैटरी की बात करूँ गाइस तो इस स्मार्टफोन में 5000 mAh बैटरी दिए गए हैं, जो कि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है गाइस कि इस स्मार्टफोन में वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। यस, आप वायरलेस रिवर्स चार्ज भी कर सकते हो और वायरलेस स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो। बाकी इस स्मार्टफोन में स्टूडियो स्पीकर भी दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको नीचे साइड में इसका स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा और ऊपर के साइड में भी है, जो कि JBL का भी इसमें कुछ सपोर्ट है। तो अभी आपको मैं म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ कि कैसा इसका आवाज़ है। तो वैसे जब मैं इसमें म्यूजिक प्ले कर रहा था तो मैं जब इसका फुल वॉल्यूम दिया तो म्यूजिक सुनने के साथ साथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा था कि वाइब्रेट कर रहा है इस फ़ोन, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स को थोड़ा सा और भी इनहेंस करना चाहिए था। बाकी गाइज एक और चीज़ है, देख लो कि जब मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो लाइट्स है गाइज, फ्लैश लाइट, इसके बीच में भी जो अंडर में है वहाँ पे भी ये लाइटिंग वगैरह करता है, यानी आपके नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे इस स्मार्टफोन में तो आप ये चीज़ें सेट कर सकते हो। वैसे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी पास से दिखा रहा हूँ, बैक साइड में देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ लाइट्स देखने को मिला हुआ जो कि फ्लैश लाइट के अंदर में दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे इसको भी मैं टेस्ट करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रीव्यू करके देखता हूँ,
तो हर टाइप के कलर स्टोन दिए गए हैं जिसको आप बार बार देख सकते हो। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों का क्या चीज़ों का इंतजार है। यस, मैं बात करने वाला हूं अब इस स्मार्टफोन के कैमरेज की और देखते हैं कि कैमरा डिपार्टमेंट इस स्मार्टफोन का कैसा वर्क करता है। तो चलो चलते हैं शूट पे। वैसे तो गाइस हमारे घर के पास जितने भी फ्लावर्स थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, सारे का मैंने फोटो क्लिक किया एआई कैम से, और ये इन्फिनिक्स का जो फोन है इससे सारा का कलर्स अलग अलग था, तो मुझे ओवरऑल सारा फोटोज अच्छा लगा क्योंकि नेचुरल टोन दिया था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ बाहर के एनवायरमेंट में और यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर और देखता हूँ कि इसका एआई कैम कैसा परफॉर्म करता है। और गाइस इसमें जो एक फिल्म मोड दिया गया है इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पे सुपर बाइक्स भी लेके आया है और अपने बाइक्स के साथ भी फिल्म मोड को यूज करूँगा क्योंकि गाइस इसका फिल्म मोड मुझे काफी यूजेबल लगा, तो हो सकता है कि आपके डे टू डे लाइफ में ये फिल्म मोड काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। सो गाइस हमने एआई कैम पे 1x पे अब फोटो क्लिक करूंगा इसका और देखता हूं कैसा आता है हमारे मॉडल सामने में है। तो फोटो अगर मैं देखूं गाइस तो बादल का जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, ज़्यादा आर्टिफिशियल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और नीचे जो ग्रास है गाइस इसमें थोड़ा सा डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, शार्पनेस वगैरह लग रहा है। लेकिन अब मैं क्लिक करता हूँ 3x दिया गया गाइस, तो 3x पे देखता हूँ कि कैसा वर्क करता है इसका एआई कैम। तो देखो गाइस जिस टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ उस टाइम मुझे लग रहा है कि उतना बेटर नहीं दिख रहा है फेस, क्योंकि फेस पे काफ़ी ज़्यादा वो डिटेल्स वगैरह देखने को मिल रहा है शार्पनेस। लेकिन फ़ोटो क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इन्हांस करता है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके आपको इन्हांस पिक्स दिखाता है। तो मैं अगर जूम करके देखूं तो उतना बेटर भी फ़ोटो नहीं है और उतना बेकार भी नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन वगैरह काफ़ी है। जो साइड में ग्रास वगैरह है ग्रीन कलर का वो सैचुरेटेड दिख रहा है और थोड़ा सा मुझे डिटेल्स भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और जैसे मैं 3x पे क्लिक किया गाइस तो जो बैकग्राउंड में बादल था उसका टेक्सचर वगैरह गायब हो गया और सारा स्मूथ होकर वाइट हो गया। सो देखो गाइस अब एआई कैम से मैं शिफ्ट हो गया हूँ पोर्ट्रेट मोड में और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है 1x 2x। तो 1x पे जैसे मैं मॉडल के सामने कैमरा ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्लर्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन देखता हूँ फोटो क्लिक करने के बाद ब्लर्स कर देखने। हाँ गाइस ये ऑप्टिमाइज करने का ट्राई किया बट 1x पे ये ब्लर नहीं कर पाया, बाकी पीछे का जो टेक्सचर वगैरह है काफी अच्छा है। फिर 2x पे मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा कुछ वर्क करता है, तो 2x पे भी मुझे वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है जो मैं पोर्ट्रेट में देखना चाह रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखता हूँ कि ब्लर्स करते हैं या नहीं। ओह माय गॉड गाइस इसका जो पोर्ट्रेट शॉट्स है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में तो कुछ ब्लर्स हो ही नहीं रहा, सारा चीज काफी ज्यादा ओवर शार्पनेस मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेकार कर रहा है इसका पोर्ट्रेट कैम, मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। और ऐसा इसलिए भी गाइस क्योंकि इसमें अलग से टेलीफोटो लेंस वगैरह नहीं दिया गया है, मेन कैमरा है और बाकी 2-2 मेगापिक्सल का अनयूजेबल कैमरा दिया गया है जो कि कुछ काम का है नहीं। बाकी हमने गाइस जब मॉडल के पास में जाकर के ट्राई किया कि देखता हूँ पोर्ट्रेट वर्क करता है या नहीं या फिर बिल्कुल भी नहीं वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस पकड़ रहा है अगर मैं ट्राई करता हूँ फोकस करने का तो सब्जेक्ट पे, और फिर अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके बाद ये पोर्ट्रेट शॉट ले पा रहा है। लेकिन एनहांस करने के बाद देखो गाइस अगर आप 3x में भी इस स्मार्टफोन से पोर्ट्रेट ले रहे हो तो आपको सब्जेक्ट के बहुत ही करीब जाना पड़ेगा फिर आप पोर्ट्रेट ले पाओगे, और मुझे उतना खास नहीं लगा इसका पोर्ट्रेट शॉट। सो गाइस अब इस स्मार्टफोन के जो अलग से फिल्म मोड दिया गया है इसमें मैं देखता हूँ कि कितने सारे मोड है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोड्स मिल जाएंगे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग टाइप से, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ जो इसमें मोशन इफेक्ट दिया गया है उसको यूज करने वाला हूँ और फिर मैं शूट करने वाला हूँ। तो देखता हूँ कैसा वर्क करता है इसमें। आप देखोगे यहाँ पे तो जो रेड वाला आइकन जहाँ से रिकॉर्ड होता है वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ शॉट्स आप लेकर के फिर ये अपने आप उस सारे शॉट्स को कंबाइंड करके आपको दिखाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा ये वर्क करेंगे। तो मैं पहले मॉडल के पास से लेता हूँ, चलो ये हो गया मोशन में। सेकंड लिया सेकंड लिया मैं यहाँ से लेता हूँ उधर ही देखो भाई। तो एक शॉट मैंने यहाँ से ले लिया और एक शॉट मैं अब बैक साइड से लूंगा और देखता हूँ कैसा वर्क करेगा। तो मैं 3 शॉट्स कंप्लीट हो गया है, अब मैं 4th शॉट लेता हूँ ओके, और 5th शॉट से है गाइस ओके, और ये मेरा लास्ट शॉट होने वाला है मेरा, देखो भाई। तो देखो गाइज सारा चीज़ क्लियर होने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, जब आप सारे शॉट्स ले लोगे तो इस पर आपको फाइनली क्लिक कर देना, फिर वीडियो प्रोसेसिंग इन प्रोग्रेस हो जाएंगे। उसके बाद ये प्रोग्रेस कर रहा है और सारे को कंबाइंड करके आपको एक फिल्म टाइप दिखाने वाला है, यानी कि आपको एडिटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस थोड़ा सा दूर करता है, देख सकते हो ये मेरा क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं शॉट्स कैसा है। ओ भाई साहब काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है यार।
भाई साहब, अगर मैं इसको एडिटिंग करना चाहूँ ना, तो मुझे लगता है कि 2.5 घंटे 2 घंटे या फिर 1 घंटे ऐसे कुछ लग सकता है किसी भी एडिटर्स को। लेकिन ये फ़ोन हो गया जो फिल्म मोड दिया, ये काफ़ी यूज का चीज़ है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप 6-7 शॉट ऐसे ही ले लो गाइस नॉर्मली, और ये आपको फिल्म बना करके दे देंगे। यानी कि अब आप इंस्टा वगैरह आपको यूज कर रहे हो, तो आपको ये इसका जो फिल्म मोड है बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो गाइस देखो, इस स्मार्टफोन में अगर वीडियो मोड की बात की जाए, तो देखो 4K में आप 30 FPS तक ही वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन 1080p अगर आप वीडियो शूट करते हो तो 30 FPS और 60 FPS दोनों पे वीडियो शूट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वीडियो शूट करके अभी नहीं दिखाऊंगा, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसका फुल कैमरा रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है। और मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं अपने सेल्फी से, और देखता हूं कि इसका जो सेल्फी है कैसा वर्क करता है। तो मेरे जो बैकग्राउंड है उसमें क्लॉडी काफ़ी ज़्यादा है और मुझे बहुत ही अच्छा नेचुरल जैसा दिख रहा है। तो फ़ोन में अगर मैं देखूं तो ये एक्सपोजर कंट्रोल करने में थोड़ा सा टाइम लेता है बहुत ही। तो मैं AI कैम से पहले क्लिक करता हूं, तो AI कैम से फ़ोटो क्लिक करने के बाद जैसे मैं सेल्फी लिया, तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके बस मेरे फेस को स्मूथ करने का ट्राई किया है। बाकी बैक में जो शार्पनेस वगैरह है इस पेयर सब का, ये काफ़ी ज़्यादा कर दिया, और नीचे जो ग्रास है इसमें भी शार्पनेस बढ़ा दिया है, और जो बादल्स वगैरह है ये गायब हो गया है। तो गाइस इसका सेल्फी फ़ोटो ऐसे ही आता है, तो आप देख सकते हो कि कैसा है इसका सेल्फी फ़ोटो। बाकी इस स्मार्टफोन के प्रॉपर कैमरा रिव्यू वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हो, उसमें मैं डेडिकेटेड इसका जितना भी कैमरा फीचर्स है वो ट्राई करने वाला हूं और उसका आउटपुट आपको देने वाला हूं। सो वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आप लोग ऐसा करते हो गाइस तो मैं भी बहुत जल्दी वीडियो लाने का ट्राई करता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।